नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, सारा अली खान नामी एक्ट्रेस हैं, पटौदी खानदान की बेटी हैं, लेकिन शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कि एक बार उन्हें भिखारी समझकर लोग भीख देने लगे थे। ये किस्सा खुद सारा ने एक इंटरव्यू के दौरान साझा किया। बात उनके बचपन की है। अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में सारा ने बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर नाचना शुरू कर दिया था। बस फिर क्या था, आसपास से गुजरते लोग रुके और उन्हें पैसे देने लगे। सारा ने अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिए थे, तब का एक इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में पूरा किस्सा याद करके सारा कहती हैं, मैं अपने पेरेंट्स, भाई और केयरटेकर के साथ विदेश घूमने गई थी। किसी कारण से मेरे पेरेंट्स को एक दुकान में जाना पड़ा। मैं और मेरा भाई, जो उस समय प्रेम में था, केयरटेकर के साथ बाहर रुक गए। तभी मैंने नाचना शुरू कर दिया। लोग रुककर पैसे देने लगे क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं भीख मांगने के लिए ये सब कर रही थी। मैंने रख लिए, मुझे लगा कि पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी कर लो, करते रहो। तो मैंने और नाचना शुरू कर दिया था। सारा ने बताया कि ये सब चल ही रहा था कि इतने में पेरेंट्स सैफ अली खान और अमृता दुकान से बाहर आ गए। उन्हें देखकर केयरटेकर ने खुशी से बताया कि लोगों को सारा इतनी क्यूट लगी कि पैसे दे दिए। लेकिन माँ अमृता को परिस्थिति समझ आ गई थी। उन्होंने कहा, क्यूट नहीं, भिखारन लगी, इसलिए पैसे दे दिए। इसी वाक्य के साथ आपको बता दें कि सारा अली अब वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 में दिखाई देंगे। ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर 25 दिसंबर से स्ट्रीम की जा सकेगी। उसके बाद उनकी फिल्म अतरंगी रे भी आने वाली है। अक्षय कुमार और धनुष भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको सारा के बचपन का ये किस्सा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरें हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।